नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं चक्रव्यू। यूपी में चुनाव बेहद नजदीक है तो इस पर नेताओं की बयानबाजी होना लाजमी है और यही सब अब चल रहा है आजकल यूपी में। कभी भाईजान तो कभी संबल को गाजियों की धरती बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी संबल के दौरे पर पहुंचे थे, फिर पार्टी वर्कर्स उनके स्वागत में पोस्टर छपवाते हैं और उस पर लिखा जाता है कि संबल गाजियों की धरती है। ऐसे में बीजेपी AIMI के इस हमलावर हो जाती है और ध्रुवीकरण का आरोप लगाती है। बता दें AIM अध्यक्ष ओवैसी और हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने यूपी के विधानसभा चुनावों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुस्लिम वोटों के सहारे यूपी विधानसभा में एंट्री का ख्वाब देख रहे ओवैसी के साथ साथ विवाद भी अब चल रहे हैं। पोस्टरों में अयोध्या को फैजाबाद लिखने का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब उनके साथ एक और विवाद जुड़ गया है। दरअसल बुधवार को उनकी संभल यात्रा से जुड़ा एक पोस्टर खूब वायरल हुआ, जिसमें उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संभल को गाजियों की धरती बताया है। वहीं बीजेपी ने संबल को गाजियों की धरती कहे जाने पर सख्त ऐतराज जताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ओवैसी और उनकी पार्टी इस तरह की पोस्टरबाजी से प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहती है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। इस पर बीजेपी कड़ा ऐतराज जताते हुए कहती है कि संबल को गाजियों की धरती बताने का मकसद साफ है कि वो धार्मिक आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण करना चाहती है, इसी का उनको लाभ मिलेगा। संबल कभी गाजियों की धरती नहीं रहा बल्कि इसका अपना एक पौराणिक महत्व रहा है। पुराणों में कलयुग में भगवान श्री हरि विष्णु के दशम और अंतिम अवतार श्री कल्कि के संबल में होने का जिक्र मिलता है। ओवैसी जैसों को यह समझना चाहिए कि शब्दों की बाजीगरी से किसी शहर की पहचान को वो नहीं बदल सकते। इस पूरे विवाद के बीच अब ये जानना काफी दिलचस्प हो जाता है कि आखिर संबल का सही इतिहास है क्या, संबल का पौराणिक महत्व क्या है, गाजी का मतलब क्या है और सबसे जरूरी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने संबल को गाजियों की धरती कहकर क्यों संबोधित किया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सचमुच गाजियों की धरती रहा संबल या फिर ओवैसी के स्वागत के लिए इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है। इस पर आज चर्चा के लिए खास मेहमान भी अब से कुछ ही देर बाद मेरे साथ जुड़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव बेहद यूपी में नजदीक आ रहे हैं उसको देखते हुए इतना जरूर हो गया है कि कोई मूर्तियों पे सियासत कर रहा है तो कोई पोस्टर को लेकर सियासत कर रहा है। देखिए, ओवैसी पहली बार यूपी में चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसे में 100 सीटों पर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसको देखते हुए विपक्ष का लगातार ये कहना है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM जो है वो बीजेपी की टीम बी बताया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ओवैसी की पार्टी जो है वो मुस्लिमों को साधने की कोशिश करेगी और इसका फायदा बीजेपी उठा लेगी। हालांकि अब देखिए, बीजेपी इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहती। अगर हम यूपी के इतिहास की बात कर लें तो यूपी में सियासत जो है वो जातीय समीकरण पे होती है, पोस्टर्स पे होती है, मूर्तियों पे होती है। यही सबसे बड़ा मुद्दा जो है इन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव घूमता हुआ नजर आता है और इसीलिए एक बार फिर से अब पोस्टर की राजनीति शुरू हो चुकी है। देखिए, अगर बीते कुछ दिन पहले की बात की जाए, सितंबर के शुरुआती दिनों की बात कर ली जाए, तब भी ओवैसी एक पोस्टर को लेकर काफी चर्चा में आए थे। वो इसलिए जब वो अयोध्या दौरे पर पहुंचे थे, वहां अयोध्या को फैजाबाद लिख दिया गया था, जिसके बाद वो काफी विवादित बयान हो गया था, जिसके बाद साधु संतों में काफी नाराजगी इसको लेकर देखी गई थी, जिसके बाद वो पोस्टर हटा दिया गया था। लेकिन अब बीते एक दिन पहले यानी कि कल ओवैसी संबल पहुंचे तो ऐसे में संबल पहुंचने के बाद जिस तरह से पोस्टर पर लिखा गया संबल गाजियों की धरती, उसको लेकर भी अब विवाद और बवाल जो है वो सियासी गलियारों में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पर चर्चा करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। संभल के सियासी खेल में ओवैसी के पोस्टर वॉर की कहानी सत्ता के गलियारों की चर्चा बन गई है। विपक्ष में सवालों की ऐसी बौछार कर दी है कि AIMIM के सियासतकारों को चुप्पी साधनी पड़ी। इतिहास के पन्नों में संभल हमेशा हिंदुत्व के लेख का अहम हिस्सा माना जाता रहा है, लेकिन 2022 के चुनावी महासफर में AIMIM को गाजियों की धरती पता डाला और पोस्टर छपवा कर इतिहास में
दे डाला कि संभल गाजियों की धरती है। तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि AIMIM ने बिना इतिहास पढ़े अखबार में इतिहास दे डाला, जबकि इतिहास के अलावा पुराणों में भी संभल का एक विशेष स्थान है। कलयुग में भगवान श्री हरि विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार श्री कल्कि के संभल में होने का जिक्र मिलता है। पुराणों में भगवान के श्री कल्कि अवतार का संभल के ही ब्राह्मण परिवार में होना बताया गया है। इसका जिक्र सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने भी दशम ग्रंथ में किया है। संभल में कल्कि पीठ भी स्थापित है और हर साल श्री कल्कि महोत्सव का आयोजन किया जाता है। संभल की पौराणिक महत्वता को देखते हुए महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी उत्तर प्रदेश के संभल को मान्यता दी। कल्कि विष्णु मंदिर बनवाया ये हम नहीं कह रहे, ये इतिहासकार भी कुछ यही बातें कहते हैं। संभल का क्षेत्र कठर का क्षेत्र कहलाता है। पुराणों में एक कहानी है कि जब दक्ष प्रजापति को शंकर से के विनाश के बाद हरिद्वार से हटना पड़ा तो वो इस क्षेत्र में आए और वहाँ इस क्षेत्र का वर्णन कठर क्षेत्र के रूप में करा गया है। असमोली में एक मंदिर भी है जो बूढ़े बाबा का मंदिर कहलाता है। माना जाता है कि दक्ष प्रजापति ने आके यहीं पर अपना डेरा लगाया। और भी हम बाद में इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो यहाँ प्राप्त होता है कि यहाँ कठहर नाम के एक कबीले के लोग रहते थे और जब यहाँ पे और लोगों ने शासन स्थापित करने की कोशिश करी तो कठहरों ने उनसे लड़ाई करी। अब जहाँ तक इनकी तुर्क योद्धाओं की बात है जो अपने आप को गाजी कह के धर्म योद्धा कह के हिंदुस्तान पर बार बार आक्रमण कर रहे थे तो उन आक्रमणों को शुरू में कठहर लोगों ने निष्फल कर दिया। लेकिन महमूद गजनबी का भतीजा जब एक बड़ी फौज के साथ संभल में आया तो उन्नाव के राजपूत राजा ने अपनी फौज के साथ संभल क्षेत्र में उसका मुकाबला करा और उसे हरा दिया और यहाँ पे बहुत से उन धर्म योद्धाओं का कत्लेआम हुआ, पराजय हुई और वो लोग यहाँ से छोड़ के भाग गए। उसके बाद महमूद गजनबी की फौज ने कभी इस क्षेत्र में आने की हिम्मत नहीं करी। तो वो तमाम लोग जो हैं उनके नाम पर यहाँ नेजा बनाया जाता है और वो गाजी गए जाते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान लड़ाई में हार गए और तुर्कों का शासन स्थापित हो गया मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके आने वाली सल्तनत काल के लोग राजाओं ने शासन किया तो उन्होंने संभल को अपना बड़ा हेडक्वार्टर बनाया और उस हेडक्वार्टर को बनाने में यहाँ जो तुर्क लोग आए या अफगान लोग आए उन्होंने ढूंढ ढूंढ के उन धर्म योद्धाओं के नाम पर नेजा बनाने की परम्परा को यहाँ पर शुरू किया। तो ये धरती कठहर लोगों की है, इसकी रक्षा कठहरे राजपूतों ने करी और बाद में भी कभी यहाँ पे तुर्कों या अफगानों को चैन से शासन नहीं करने दिया। इसीलिए मुरादाबाद में जो कठगढ़ क्षेत्र है वो भी उन्हीं का बसा हुआ था और सहसपुर का किला एक बनाया गया वो भी रोहेले लोगों ने कठहर राजपूतों से रक्षा के लिए बनाया था क्योंकि बार बार वो संभल छीन लेते थे और कई कई दिन तक उनका शासन रहता था। तो ये पूरा लंबा इतिहास कठहरे राजपूतों की वीरता का इतिहास है, ये संभल का इतिहास है। संभल कठहरों की धरती है और अगर ओवैसी साहब भारतीय हैं तो उन्हें कहना पड़ेगा कि संभल कठहरे लोगों की धरती है जिनके योद्धाओं ने कठहरे राजपूतों ने संभल को हमेशा मुक्त रखने की कोशिश की और अगर वो अपने आप को गाजी मानते हैं और इस्लाम का धर्म योद्धा मानते हैं और तुर्कों से अपने आप को जोड़ते हैं महमूद गजनबी से जोड़ते हैं तो वो ज़रूर ये कह सकते हैं कि ये उन गाजियों की धरती है जिन्होंने हिंदुस्तान पर शासन का स्वप्न देखा। दरअसल बताते चलें आपको क्या है पूरा मामला। AIMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को संभल के दौरे पर पहुंचे थे। उनके स्वागत में पार्टी वर्कर्स ने पोस्टर में संभल को गाजियों की धरती बता दिया। ऐसे में बीजेपी ने हमलावर होकर ओवैसी की पार्टी पर ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। हालांकि AIMIM की तरफ से सवाल तो यूपी में हो रहे ताबड़तोड़ एनकाउंटर पर भी उठाए गए, लेकिन उससे पहले यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भाईजान को अब्बाजान की याद दिला दी। ऐसे में सवाल यही है क्या सचमुच गाजियों की धरती रहा है यूपी का संभल या फिर ओवैसी की पार्टी ने अपने सियासत चमकाने के लिए नए विवाद को हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो
तो इतना सब जानने के बाद मन में अब सवाल उठता होगा कि आखिर जो संभल आज यूपी का एक छोटा सा जिला है वो मुस्लिम शासकों को इतना प्रिय क्यों था। इसका जवाब जानने के लिए बता दें कि गाजी शब्द का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। दरअसल गाजी मतलब धर्म योद्धा होता है, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी धर्म ध्वजा लहराने के लिए युद्ध किया हो। संभल का इलाका एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और महत्वपूर्ण जगह थी, यहां से कोई भी शासक पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर शासन कर सकता था। वेस्टर्न यूपी दोआब का क्षेत्र है और बहुत ही उपजाऊ है, इसीलिए भी दिल्ली में बैठे शासक के लिए ये इलाका इकोनॉमी का बहुत बड़ा स्रोत भी था। ऐसे में संभल में से जामा मस्जिद को केंद्र बनाकर मुस्लिम शासकों ने बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन किया। संभल एक तरह से धर्मांतरण का सबसे प्रमुख केंद्र रहा है। चलिए बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अश्वनी जी अपनी बात रखिए। देखिए मैं ये कह रहा था कि ओवैसी जी जहां जाते हैं इस समय उनको चुनाव दिख रहा है, राजनीति दिख रही है जी। बिहार में 4-5 सीट जीत गए, वो बंगाल चले गए, उनका बंगाल में की जनता ने उनको बता दिया कि यहां पर बिहार वाली चीज नहीं होगी। वैसे ही उत्तर प्रदेश में मैंने अभी पिछली दफे कहा, कुछ टेक्निकल एरर से आपके यहाँ आवाज नहीं आई, मैंने कहा था 38 सीट लड़ाई गई थी उनके द्वारा, 37 सीट में जमाना जब्त हुई 2017 में। फिर से वही दोहराया जाएगा, ओवैसी का कोई यहां पर जनाधार नहीं है। ओवैसी सिर्फ और सिर्फ यहां पर हिंदू और मुसलमान करने की बात करते हैं, और जो आक्रांता थे बताइए उसको, आक्रांता को आप धर्म योद्धा बता रहे हैं। गजनी गजनवी का जो भतीजा है वो क्या कहते हैं, सालार मसूद जो है उसको आप धर्म योद्धा बता रहे हैं। तो ये एक क्षुद्र मानसिकता का द्योतक है, और इसको दूसरे रूप में ये लिया जाना चाहिए कि 140 लोगों के आसपास उनकी बैठक हुई। अब बताइए जिस संभल में वो इसकी बात कर रहे हैं, उनको बैठक करने के लिए 100-150 लोग मिल रहे हैं, तो जनसभा उनकी निरस्त हो गई थी, उनकी उतनी भीड़ नहीं आ पाई थी जी। उसके बाद देखिए वहां पर जनता जैसे ही वो लोग हटे हैं वहां से, किस तरीके से उनके झंडे लूट लिए गए, वहां पर पतंगे टांगी गई थी वो तोड़ दिया गया। तो ये सब वही की जनता ने किया है, और वो वीरों की धरती रही है, आला उदल की धरती रही है। आला उदल वहां के प्रहरी हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान की धरती थी, जिसने जो है मोहम्मद गोरी को मारने का काम किया था। उस धरती पर आने के बाद वो गाजियों की बात करेंगे, अरे गाजियों की बात अगर वो आज करते, वहां के वीरों की बात करते, वहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात करते, तो वहां पर वो बाबर और गजनवी की बात कर रहे हैं जी। एक मंदिर बनाया गया था हरिहर मंदिर, जो ब्रह्मा जी ने बनवाया था, उसको वहां पर कहा गया कि ये जामा मस्जिद है, ये मुगल आक्रांताओं का काम है, आज भी उसको हरिहर मंदिर लोग कहते हैं। विश्वकर्मा जी ने वहां पर कई निर्माण कराए, कई मंदिर बनवाए, वहां पर शिवलिंग की स्थापना भी ब्रह्मा जी ने कराई थी जी। जो वहां पर चंद्रशेखर, भुवनेश्वर और संबलेश्वर तीन ज्योतिर्लिंग है वहां, तो शिवलिंगों की स्थापना भी हुई। तो ये धार्मिक स्थल है पूरा, सतयुग में उसका नाम हुआ करता था सत्यव्रत, मदयगिरी होता था द्वापर त्रेता में, द्वापर में पिंगला होता था। और कल्कि अवतार की बात आपने ही तब से बताया, देखिए कल्कि अवतार की बात कही गई है वहां जी। तो इतने हिंदू सनातनी लोगों के जन्म और वहां स्थापना के बाद 68 वहां पर तीर्थ है, 68 जो है वहां पर तीर्थ है वहां जी। तो इतने होने के बाद हिंदू मुस्लिम अगर वो कर रहे हैं, तो ये निहायत ही राजनैतिक और घृणित सोच है उनकी, वहां की जनता जानती है। पिछली बार भी उनको उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम किया था, इस बार भी करेंगे। लेकिन अश्वनी जी एक छोटा सा सवाल का जवाब मैं जानना चाहूंगी, आप जिस तरह से जो बातें कह रहे हैं वो एकदम सही है, लेकिन जो लोग हैं या फिर विपक्ष कह लीजिए, कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी का ही टीम बी का हिस्सा है। अब कोई देखिए यहाँ पर तो कई दल ऐसे हैं कि जो बीजेपी का टीम बी होना चाहिए, एक पीस पार्टी थी वो भी मुस्लिम पार्टी थी, वो भी बीजेपी की बी टीम थी। अभी एक छोटे छोटे दलों के 10-12 वो हो रहे हैं, अभी को करने की कोशिश लोग कर रहे हैं, वो भी बीजेपी की बी टीम कह लीजिए। तो ये किसको किसको बी टीम कहेंगे लोग, बीजेपी की, बीजेपी की कोई बी टीम नहीं है, बीजेपी स्वयं A to Z की टीम है। और बीजेपी जो है इसलिए कि बीजेपी आज उत्तर प्रदेश में अपना इतिहास 300 सीटों से ऊपर का दोहराने जा रही है, रिकॉर्ड हम लोग अपना तोड़ने जा रहे हैं। हमारी कोई भी टीम नहीं है,
जैसे दुकानों पर लिखा होता है हमारी कोई शाखा नहीं है, हमारी कोई भी टीम नहीं है, इसको मान लीजिए। बिल्कुल अश्विनी जी, लेकिन अगर जमीनी स्तर की ग्राउंड जीरो की बात कर ली जाए तो जनता तो बड़ी नाराज है बीजेपी से। किसने कहा नाराज है? हमने आम जनता के लिए काम किया, हमने अश्विनी जी हम खुद ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, चाहे कोरोना की दूसरी लहर के दौरान की व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए, अस्पतालों की, बेरोजगारी की बात कर ली जाए, बढ़ती महंगाई को लेकर बात कर ली जाए, सभी ऐसे मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे जिनको लेकर जनता नाराज है। अब देखिए, जनता नाराज है, आपने लगभग जो है 14 से 15 करोड़ वोटर हैं, आपने 14-15 करोड़ वोटर के बीच में आप नहीं गई हैं, आप लोग एक सर्वे करते हैं, सर्वे में क्या है अश्विनी जी, हम सर्वे नहीं करते अश्विनी जी, हम खुद जनता के बीच में जाते हैं, खुद जाते हैं, हम वो चैनल नहीं है जो चैनल में बैठकर सर्वे करा ले, हम खुद जनता के बीच में जाते हैं और जनता से बातचीत करते हैं। हमारी देखिए, हमारी जनता कहीं नाराज नहीं है, आपसे जो लोग मिले होंगे हो सकता है वो नाराज हो, तो अगर हमारा परिवार है उनको मना लिया जाएगा, कहीं महंगाई हमारे, देखिए मैं आपको 2-4 उदाहरण देता हूं। अभी आपने कहा महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी कहां मुद्दा है? अब 90,000 देखिए, 3 सरकारों की मैं तुलना कर देता हूं, 90,000 जो है मायावती ने रोजगार दिए थे, नौकरी दिया था, 2,00,000 नौकरियां जो है सपा सरकार ने दी, हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी और उसके बाद 6.5 का दावा करते हैं हम, बाकी संविदा पर दिया हमने। एमएसएमई की 50,00,000 इकाइयां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में लगी हैं, इसमें 1,80,00,000 लोगों को रोजगार मिला है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ओडीओपी हमारा बड़ा प्रमुख चीज है, आप गई होंगी अगर जनता के बीच में, तो हर जिले में जो प्रोडक्ट था उसको हम लोग लेकर चल रहे हैं और उसकी एमएसएमई की इकाइयां लगी हैं, 50,00,000 इकाइयों में 1,80,00,000 लोगों को रोजगार मिला है। हम कहां कह रहे हैं कि हमने जो है रोजगार नहीं दिया है, ये जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है, वैसे ही जैसे कहा गया कि ये भाजपा की वैक्सीन है और 200 लोग बाराबंकी में कूद गए नदी में कि हम नहीं लगवाएंगे, वही चीज आज उत्तर प्रदेश में देखिए, हम 10 करोड़ वैक्सीन लगा चुके हैं, हम टेस्टिंग सबसे ज्यादा कर चुके हैं, लोगों ने भ्रम फैलाया है। आज भी मैं कहता हूं 2017 में 43,000 के आसपास पर कैपिटा इनकम थी, प्रति व्यक्ति आय थी, आज 94,000 है, और अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि घट गई है, क्योंकि इन लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है, ये लोग सिर्फ एक ट्विटर पर ट्वीट करके अपनी जनता को ये लोग लोक लुभावन चीजें दिखाकर परगला रहे हैं। एक अभी आपको मुद्दा आया, उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन सब लोग कह रहे थे, जबकि उतने बड़े अखबार ने माफी छापा कि हमसे गलती हुई, 6 प्लेट छपनी थी, 1 प्लेट गलत चली गई, बाकी को रोक दिया गया, उस अखबार की बात कई लोग नहीं मान रहे हैं कि गलती हो गई थी, वो छप दूसरा रहा था, ऊपर योगी जी की फोटो लग गई थी बस जी, तो इन लोगों ने भ्रम फैलाया। और आज लेकिन अश्विनी जी ये तो अश्विनी जी अश्विनी जी आप ये तो मानेंगे ना कि बीजेपी से किसान बहुत नाराज है? कहां नाराज है किसान हमारे? अरे ये तो आपने देखिए, बीजेपी से किसान कहीं नाराज नहीं है, आज हमारे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, हमने 55,00,000 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गेहूं का जी, और 56,00,000 मीट्रिक टन लोगों ने एमएसपी पर बेचा है और उत्तर प्रदेश के किसानों ने बेचा है, तो हम कैसे कैसे नाराज है? किसान तो अपने खेतों में है, ये तथाकथित जो किसान नेता है जो एक राकेश डकैत है उनके नेतृत्व में बैठे हुए हैं, ये लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षी है, चुनाव लड़कर जमानत जब्त करा चुके हैं, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है जो कि अब धूल धूसरित हो गई है, किसान हमसे कहीं नाराज नहीं है, किसानों को हम अच्छा दाम दे रहे हैं। आज देखिए पहले की सरकारें आती थी, गन्ना मिलों में चीनी का उत्पादन होता था, चीनी का रेट नहीं बढ़ता था जी, आज जो है हमने 1,00,000 करोड़ पिछली सरकारों का भुगतान किया, अपना भुगतान किया, और जो चीनी मिले भुगतान नहीं करती थी ऐसे 5 चीनी मिलों को हमने आरसी काटने का भी काम किया है, ये हमने किसानों के लिए किया है। आज के दिन में मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि उत्तर प्रदेश में मोलेसिस बिक रहा है, आज हम एथेनॉल बना रहे हैं, इस पर कोई काम नहीं करता था, एथेनॉल बनाकर हम जो है आज बायोडीजल पर, आपको ये बताना मतलब गर्व होगा हमको, हिंदुस्तान में एक अच्छा मील का पत्थर स्थापित किया है कि बायोडीजल से एक जहाज उड़ाकर हम लोग देहरादून से और दिल्ली तक लाए, 5 केंद्रीय मंत्री जाकर उसका स्वागत किए हैं, बायोडीजल
अब हम एक कई दो तीन चार देशों के बाद हम लोग जेट्रोफा के बायोडीजल से अब हवाई जहाज और ट्रक और गाड़ियां चलाएंगे। तो हम लोग तो हर चतुर्दिक काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो इसमें नाराज होने की किसी की कोई बात। बिल्कुल अश्वनी जी, यहाँ पे अभी ओबीसी की बात हो रही थी तो आपने एक जिक्र किया था हिंदू मुस्लिम का। देखिए अक्सर देखा जाता है जब चुनाव नजदीक आते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात कर ली जाती है, क्या चुनाव जीतने के लिए या चुनावी मैदान में उतरने के लिए क्या एक यही एंगल बचता है हिंदू मुस्लिम? अब ये जो करता हो वो जाने, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना नारा ही दे दिया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आज आप देखिए जो लोग राम को काल्पनिक बताते थे, अश्वनी जी नारा जरूर दिया है लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं बात तो हिंदुओं की ही करती है। कहा बीजेपी हिंदू की, कहा हमने क्या मुसलमानों की बात नहीं की है? मैंने अभी कहा हमने शौचालय क्या मुसलमानों को नहीं दिया, हमने आवास क्या मुसलमानों को नहीं दिया, हमने बिजली मुसलमान के घर में नहीं लगाई, हमने जो है 2000 रुपए का किस्त जो आती है किसान सम्मान निधि की वो क्या मुसलमान के खाते में नहीं भेजा? कहीं पर लिखा हुआ है कि हम मुसलमान को नहीं दे रहे हैं? एकदम गलत बात है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। हाँ ये जरूर कहेंगे कि हमारे संकल्प पत्र में भव्य राम मंदिर की परिकल्पना थी और यही विरोधी लोग कहते थे मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, हमने 5 अगस्त की तारीख भी बता दी जी और आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन वो लोग जो राम सेतु को काल्पनिक बताते थे वो जाकर वहां राम राम कह रहे हैं, वो यानी कि बीजेपी के पास सिर्फ एक मंदिर का ही सबसे बड़ा मुद्दा बचा है। मंदिर तो हमने बनाना शुरू कर दिया है, मुद्दा तो राम हमारे लिए, देखिए राम हमारे लिए मुद्दा नहीं रहे, राम हमारे आराध्य हैं जी। ये बाबरी मस्जिद जो आक्रांताओं ने मस्जिद बनाई थी हम उनके खिलाफ थे कि अयोध्या में राम की नगरी इतिहास में हम और ग्रंथों में हम है, ये बाबर कहां से आ गया यहां, हम उसके खिलाफ थे, राम हमारे आराध्य थे हैं और रहेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल अश्वनी जी, लेकिन जिस तरह से देखिए ओवैसी अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं पोस्टर पर अब ये सियासत, क्योंकि देखिए अगर कुछ दिन पहले की बात करूं तो अयोध्या वो पहुंचे थे तो वहां भी पोस्टर में उन्होंने फैजाबाद अयोध्या को लिख दिया था, जब साधु संतों की नाराजगी देखी गई तब पोस्टर हटवा दिया गया, लेकिन एक बार फिर से ये संभल में पहुंचे इस तरह की हरकत की गई है, तो कहीं ना कहीं क्या ये चुनावी एजेंडा है जी? अभी वो और करेंगे, अभी देखते रहिए, उनका यही काम है, वो किसी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अभी वो और करेंगे, अभी हमको आगे आगे देखना है। और हमारे मैं उत्तर प्रदेश की जनता के साथ आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सचेत रहिए ऐसे बहुरूपियों से जो चुनाव में दिखते हैं चुनाव के बाद नहीं दिखते हैं। हैदराबाद के मुसलमानों का तो कल्याण नहीं कर पाए, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों का क्या कल्याण करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है सोचने वाली। और आप सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाली सरकार, और आज अपने कर्मयोगी जो हर जिले में दो दो बार दौरा कर चुके हैं 4.5 साल में, कोई इतिहास का मुख्यमंत्री नहीं गया हर जिले में दो बार, नोएडा लोग जाते नहीं थे कि हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी, लेकिन वहां कम से कम 10 बार गए होंगे। तो अब इस चीजों को जनता देख चुकी है कि हमने कितना बढ़िया कोरोना में काम किया, जिसका WHO तक ने हमको यूपी मॉडल की सराहना की, हम लोगों ने जो PHC और CHC बंद थे उसको उच्चीकृत करके अस्पताल बनाने का काम किया, आज 48 मेडिकल कॉलेज का हम लोगों ने किया है, इस चीज को कभी भी ऐसे न देखा जाए। अश्वनी जी यूपी सरकार ने अच्छा काम किया कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, ये मान लिया जाए, जिस तरह से आप कह रहे हैं WHO ने भी तारीफ की और की भी थी, लेकिन उन तस्वीरों का क्या जो अस्पतालों में जगह नहीं थी, शमशान घाटों के बाहर लाइन लगी पड़ी थी, अंतिम संस्कार के लिए इंतजार लोग कर रहे थे, उन तस्वीरों का क्या? देखिए वो तस्वीर सत्य थी, मैं उसको झुठलाता नहीं हूं, वो तस्वीरें आई लेकिन समय रहते हमने उस पर काबू पा लिया, समय रहते हमने ऑक्सीजन की आपूर्ति की, दिल्ली की तरह नहीं कि अस्पताल में मरीज नहीं है और बाहर सिलेंडर हम लगाए हुए हैं मांग रहे हैं। अश्वनी जी लखनऊ में भी कुछ दिल्ली जैसे हालात ही थे? नहीं, लखनऊ में सरकार की तरफ से कोई गलती नहीं थी कि हम ऑक्सीजन, हमको हमने तो कितने ऑक्सीजन में काम चला लिया, दिल्ली में तो ऑक्सीजन ज्यादा मांगा गया था, हमने तो ऑक्सीजन कभी डिमांड इतनी नहीं की, हमारा जितना था काम चला रहे थे, समय रहते काबू पा लिया हमने। लेकिन अश्वनी जी अगर अभी फिरोजाबाद की बात कर ली जाए तो फिरोजाबाद में भी हालात बहुत खराब है अभी डेंगू फीवर को लेकर, भले ही बेशक अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री खुद वहां पर गए थे, काबू पा लिया गया है,
वहाँ प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अश्वनी जी कैसी बातें कर रहे हैं, हर रोजाना तस्वीरें आ रही हैं कि अस्पताल के बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर बैठे हैं कि कब अस्पताल में उन्हें जगह मिलेगी। देखिए सबको बेड मिल रहा है, वहां पर डॉक्टरों की फौज तैनात की गई है, डॉक्टर वहां पर बढ़ाए गए हैं जिला अस्पताल से लेकर हर जगह, और जैसे जैसे मरीजों की गंभीरता को देखते हुए अगर जो बेड उपलब्ध है उस बेड पर उनको भर्ती करके उनका इलाज किया जा रहा है। अब देखिए जो बच्चों की मृत्यु 3-4 दिनों में हुई अब वो होनी बंद हो गई है, अब वो न्यूज तो नहीं आ रही है कि भर्ती करने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। जी अश्वनी जी देखिए, अब जैसे विधानसभा चुनाव में अब बेहद ही कम समय बचा है, कोई पार्टी जो है चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, ओबीसी जो है वो मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों इसी तरह से जातीय समीकरण बिठाया जाता है, क्यों मूर्तियों को लेकर सियासत की जाती है, क्यों पोस्टरों को लेकर सियासत की जाती है, जो असल मुद्दे हैं कहीं ना कहीं जनता के जमीनी स्तर से जुड़े मुद्दे हैं वो इन सब में पीछे छूट जाते हैं। देखिए उन लोगों का यही काम है, वो करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा दूसरा है, भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम कर रही है, आज देश को मजबूत करने पर काम कर रही है, आज देश हमारा एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में है, उत्तर प्रदेश भी एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में है, ये जनता जान चुकी है, और वो जनता हमको फिर से आशीर्वाद देकर 2022 और 2024 दोनों में फिर हम लोगों के उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में हमारी सरकार बनेगी और हम लोग पिछला रिकॉर्ड फिर से तोड़ने का काम करेंगे। जी चलिए अश्वनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो ऐसे में अब यूपी में सियासत पोस्टरों के जरिए की जा रही है, मूर्तियों के जरिए की जा रही है, जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए कहीं ना कहीं कभी ओवैसी यूपी सरकार के एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हैं तो कभी संभल को गाजियों की धरती बता देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि किस तरह से ओवैसी चुनावी मैदान में उतरेंगे और किस तरह से जीत का जो दावा कर रहे हैं 100 सीटों पे वो लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और जीतने का दावा जो लगातार कर रहे हैं वो किस तरह से जीत पाएंगे। तो अब यूपी में मूर्तियों पर सियासत होने के बाद अब पोस्टर पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। ऐसे में कोई जाति समीकरण बैठाने की कोशिश कर रहा है तो कोई ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो जमीनी स्तर से जुड़े मुद्दे हैं उस और किसी भी पार्टी का ध्यान नहीं है और इसीलिए लगातार आवाज हम उठाते रहेंगे क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं वो बेहद ही जरूरी होते हैं और उस और किसी का ध्यान जो है वो नहीं जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।